कड़कनाथ मुर्गी पालन, मुर्गी 1000 रुपये और अंडा 50 रुपये कीमत का। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट खेती चैनल में आपका स्वागत। पूरी जानकारी के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले और घंटी का बटन तो जरूर दबा दे ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके। जय जवान जय किसान के साथ नारे के साथ स्टार्ट करते हैं हम कड़कनाथ मुर्गी पालन के बारे में पूरी जानकारी। तो आइए कड़कनाथ मुर्गी पालन के बारे में पूरी सच्चाई। कड़कनाथ चिकन फार्मिंग का व्यापार चल रहा। अगर आप कड़कनाथ चिकन फार्मिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको केवल मुनाफा ही होगा, क्योंकि इस नस्ल की मुर्गी के द्वारा दिए गए ब्राउन अंडे बाजार में काफ़ी महंगे बिकते हैं और इस चिकन के मांस को भी काफ़ी अधिक दामों में खरीदा जाता है। तो ध्यान रखें, चिकन भी बहुत महंगा बिकता है। आप जरूर दो प्रकार से होते हैं पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस। पोल्ट्री फार्मिंग दो प्रकार से की जाती है, जिसमें एक ब्रॉयलर फार्मिंग, दूसरा लेयर्स फार्मिंग। ब्रॉयलर प्रकार की पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस में चिकन यानी मुर्गों और मुर्गियों को बड़ा करके उनसे मांस में बेचा जाता है। वहीं लेयर्स में पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस चिकन द्वारा दिए गए अंडों में बेचा जाता है। इसलिए आप जब अपना कड़कनाथ चिकन पोल्ट्री फार्म खोले तो ध्यान रखें या पहले तय कर ले कि आप ब्रॉयलर्स और लेयर्स फार्मिंग में कौन सा पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हैं। वैसे आप चाहे तो ये दो प्रकार के पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जरूरी होता है कि आप किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपको यह ध्यान नहीं है कि हमें अंडा बेचना है या मांस बेचना है तो आपको घाटा हो सकता है, आप उस प्रकार से आपका बेनिफिट नहीं कमा पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको और सजेस्ट करता हूं कि आपको क्या करना है, ब्रॉयलर में काम करना है या लेयर्स में, यानी मुर्गियों को मांस बेचना है या अंडे बेचना है। तो मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक जानता हूँ, आपको मांस बेचने में भी बहुत फ़ायदा है और अंडे बेचने में भी, लेकिन अंडे बेचने में ज़्यादा फायदा है। आगे बात करते हैं, इन मुर्गियों द्वारा दिए गए अंडे बाजार में 40 से 50 रुपए तक बिकते हैं। एक अनुमानित अंडा 30 रुपए का भी बिके तो अच्छी बात है, तो आपको काफ़ी अधिक मूल्य है। लेकिन चिकन के मांस की कीमत के बारे में बात की जाए तो इस नस्ल के चिकन का मांस बाजार में कम से कम 800 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है। हाँ जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है 1000 रुपये किलो का मांस बिकता है। मैं मार्केट में घूम चुका हूँ, और जबकि मध्य प्रदेश के इलाकों में तो, आदिवासी इलाकों में तो बहुत ही महंगा मांस है और वो लोग खाते भी है, बताओ 1000 रुपये किलो, और बाप रे। कड़कनाथ चिकन के बारे में जानकारी। अंडे का औसत वजन 40 से 50 ग्राम, फीड अनिवार्यता पूरे जीवन चक्र के लिए 50 किलो, नए कड़कनाथ चिकन का वजन 2.5 से 3 किलो, मादा कड़कनाथ चिकन का वजन 1.5 से 2 किलो, कड़कनाथ चिकन के बच्चों का वजन 25 से 30 ग्राम, मांस रंग रह, कड़कनाथ अंडे का रंग भूरा, मांस के दाम 800 रुपये प्रति किलो से 1000 रुपये किलो, अंडे के दाम 40 से 50 रुपये किलो, अनुमानित 30 रुपये किलो, मार्केट में अंडा भी जो आपको दिख रहा है वैसे ही आएगा। कहाँ से खरीदे और कितने संख्या में खरीदे कड़कनाथ चिकन? कड़कनाथ नस्ल के चिकन को आप अपने नज़दीकी पशुपालन या किसी पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय से खरीद सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन लिंक पर जाकर, गवर्नमेंट के लिंक, ये इंडिया मार्ट के लिंक है दोस्तों, https://directindiamart.com इम्पैक्ट का कड़कनाथ चिकन HTML करके इस नस्ल के चिकन को खरीदा जाता है, या आप डायरेक्ट कहीं से भी खरीद सकते हैं। इस व्यापार शुरू करने से लिए आपको कम से कम 30 चिकन की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि अगर आप बजट ज़्यादा रखते हैं तो ज़्यादा चिकन खरीद सकते हैं। और मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में भ्रमण कर जानकारी जुटाएं दोस्तों, जरूरी है। केवल हेल्दी चिकन को खरीदें, इस व्यापार को करने का फायदा तभी है जब आप हेल्दी कड़कनाथ चिकन को खरीद जाएंगे। और सेहतमंद चिकन को खरीदने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के चिकन की सेहत के बारे में पता किया जा सकता है। यह अगर कहीं से प्रजाति उपजी हुई है तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से, आदिवासी इलाकों से यह कड़कनाथ चिकन उत्पादन हुआ, यानी कड़कनाथ की उत्पत्ति हुई है। तो आप मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में, झाबुआ जिले में जाए, धार जिले में जाए और उन भील भाइयों से मिले, वहाँ से आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी दोस्तों, और आप सस्ते में वहाँ से खरीद पाएंगे। स्थान का चयन। कड़कनाथ चिकन फार्मिंग बिजनेस को करने के लिए आपको खुले स्थान की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको एक खुले स्थान के किराए पर लेना पड़ेगा, या आप खुद भी खुआ हो तो अच्छी बात है। जिस स्थान को चुनेंगे उस स्थान पर आपके द्वारा खरीदे गए चिकन को रखा जाएगा, इसलिए आप इस स्थान पर मुर्गी और मुर्गों को रखने के लिए लकड़ी का घर बनवा ले। इसके अलावा इन्हें देने वाले दाने या चारे को रखने के लिए भी एक जगह बना ले या बनवानी पड़ सकती है, अगर आपके पास पहले से उपलब्ध नहीं है तो। लेकिन ध्यान दें, आप पहले किसी पोल्ट्री फार्म में जाएँ, वहाँ पर अपना ज्ञान बटोरे, ज्ञान इकट्ठा करें, ज्ञान हासिल करें। आप देखें किस प्रकार से वहाँ बच्चों को लाया जाता है, बड़ा किया जाता है, कितने दिनों में होंगे,
आप उनको अंडे बनाने की प्रोसेस किस प्रकार से है, अंडे कितने दिन में निकलते हैं, कितने चूजे निकलते हैं, अंडे बेच दे या चूजे निकाल ले, आप ये पूरी जानकारी ले ले। मेरा तो यही मानना है, आप खुद जाके देखिए आँखों से, हो सके तो 2-3 दिन विजिट कीजिए, वहीं पर रहिए, वहीं पर खाइए, आप भी देखिए कैसे पोल्ट्री फार्म में फ़ायदा होता है। पोल्ट्री फार्म मेरे हिसाब से तो फायदे वाली चीज़ है। इसके बाद लोगों का करना होगा चयन, कैसे? कड़कनाथ चिकन फार्मिंग को शुरू करने के लिए आपको कई कर्मचारियों को नौकरी पर रखना होगा। हो सकता है आप भी घर के लोग 2-3 हो तो कर सकते हो। इन लोगों का कार्य अपने फार्म में मौजूद चिकन देख रेख करना, समय समय पर खाना देना, काफ़ी साफ सफाई ध्यान रखना, पानी देना आदि काम है उनके। जिन लोगों को पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस में अनुभव हो केवल उन्हीं को कार्य में रखें, क्योंकि चिकन की देख रेख करना इतना आसान काम नहीं और इनको संभालना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि मैं बता दूँ, इनमें बीमारी का खतरा अधिक होता है। बीमार हो गए तो बचना मुश्किल है, मरेगा ही मरेगा, चाहे मुर्गी हो या मुर्गा। टीके लगवाए समय पे, टीके लगवाना जरूरी है। आगे बताता हूँ मैं टीके कैसे लगवाए, कहाँ लगवाए, लेकिन टीके लगवाए। लेकिन उन लोगों को आप कार्य पर रख सकते हैं जिन्हें अनुभव है। बिना अनुभव के लोगों को आपने कार्य पर रखा तो ध्यान नहीं देंगे और आपका नुकसान होना संभव है। हो सकता है आपका पोल्ट्री फार्म बंद भी हो जाए। मैं तो कहता हूँ हमारे आसपास के इलाके में 1-2 पोल्ट्री फार्म बंद भी हो गए, लेकिन जिन्होंने सही तरीके से चलाया ये बात भी है, वो कहीं आसमां छू गए। गाड़ियाँ भर भर के चिकन जाता है उनका, गाड़ियाँ भर भर के अंडे जाते हैं, ढेरों अंडे हो जाते हैं, ढेरों गाड़ियाँ जाती है। तो आपको रखना है ध्यान, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है तो ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं रुपयों की, भाई बजट। अगर आपको लगता है कि कड़कनाथ चिकन पोल्ट्री फार्म खोलने में आपको कम निवेश की ज़रूरत पड़ेगी तो ये सब बिल्कुल नहीं है। पोल्ट्री फार्म को खोलने के लिए आपको कई तरह के सामान जैसे फीडर, ड्रिंकर्स, पैंच, लाइटिंग सिस्टम, इनक्यूबेटर, हीटर या बूटर्स को खरीदना पड़ सकता है। इसके अलावा स्थान का किराया या खुद का हो तो अच्छी बात, लेबर की सैलरी या लेबर नहीं हो आप खुद करें तो और अच्छी बात। चिकन की वैक्सीनेस यानी इंजेक्शन या टीका सहित अन्य खर्चे भी आपको समय समय पर करने पड़ते हैं। इसलिए इस व्यापार को करने के लिए आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी ही होनी चाहिए। अगर मजबूत नहीं है तो बैंक से, अगर आपने 3 लाख का पोल्ट्री फार्म खरीद खोलते हो तो आप 5 लाख का बजट बनवाओ, 5 लाख लो, ताकि आपको पहले आपके हाथ में पैसा हो, आप सही तरीके से कर पाए, नहीं तो आप घाटे में सौदा न करें। और हो सके तो आप अंडे ही बेचें, अंडा महंगा बिकता है। इससे एक मुर्गी 12 अंडे भी दे तो अच्छा फायदा है, मुर्गी का पैसा महीने भर में वसूल। इस प्रकार से आप बजट आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और एक बात, खास बात, 10 मुर्गियों पर एक मुर्गा रखे, यानी 10 मादा पर एक नर रखे। और आप ये पोल्ट्री फार्म 50 मुर्गियों से भी शुरू कर सकते हैं, मैं तो 50 से ज़्यादा की सजेशन नहीं दूंगा। बात आती है मार्केटिंग की, खास तो यही बात है भाई, मार्केटिंग कैसे करें। तो कड़कनाथ चिकन पोल्ट्री फार्म खोलने के बाद आपको अपने इस पोल्ट्री फार्म की मार्केटिंग भी करनी होगी। आप मार्केटिंग की मदद से ही लोगों को आपके इस व्यापार के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकेगी और आपके व्यापार का प्रचार प्रसार होगा। व्यापार का प्रचार प्रसार हो सकता है यानी कि करना जरूरी है, क्योंकि आपके पोल्ट्री फार्म पे जो भी व्यक्ति खरीदने आएगा उसको बिना अथा पते से तो नहीं आना पड़ेगा। आप छोटे एक काम कीजिए, 1-1 रुपये का एक पेज पर आप शुद्ध हिंदी में लिख दीजिए आपके बैनर का पूरा वैसा का वैसा, आप जो भी पोल्ट्री फार्म जिस नाम से खोलते हैं, मोबाइल नंबर सहित स्थान, प्लेस आदि इत्यादि ऐड कर दीजिए। और 1-1 रुपये के आप छोटे छोटे पर्चे अपने गांव में, आसपास के इलाके में, आपके शहरी इलाके में, इंडस्ट्रियल इलाके में, आप जहां भी रहते हो सब जगह चिपका दीजिए। लोगों को पता चलेगा अच्छा चिकन इतना सस्ता है, चिकन ऐसा ऐसा है, इस तरीके से है, तो आपके पोल्ट्री फार्म पर लोग ज़्यादा आएंगे और फ़ोन लगाएंगे। आपको दिन भर काम करना ही होगा और आपको अधिक से अधिक फायदा करना है तो मोबाइल नंबर जरूर दे दें ताकि लोग आपको जानकारी हासिल कर पाए। लोग एक व्यक्ति ने पूछा जानकारी हासिल की, वह 10 को बता देगा, आपको फायदा होगा। बात आती है ऑनलाइन बनाए अपनी व्यापार की वेबसाइट। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप ऑनलाइन के जरिए भी इस व्यापार को कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। आजकल तो ज़्यादातर व्यापारी ऑनलाइन के जरिए बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन के जरिए कम समय में अधिक से अधिक मोटा मुनाफा या कमाया जा सकता है, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकता है और कम समय में पहुंचा जाता है। लेकिन ये देख लीजिए आपके हिसाब से, चैनल को इतनी मैंने जानकारी दी तो सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और घंटी का बटन दबा दें।